नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुकार न्यूज़ में। मैं हूँ प्रिया लक्ष्मी। तो आइए नज़र डालते हैं आज के ताज़ा समाचार पर। हिंदू पौराणिक कथाओं में मुख्य कहानियों में से एक में दिवाली वह दिन है जब भगवान राम, उनकी पत्नी सीता देवी और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अपने वतन लौटे थे। ग्रामीणों ने राम के लिए एक मार्ग जलाया जिसने राक्षस रावण को हराया था। इस कहानी के पुनर्मूल्यांकन कुछ क्षेत्रों में समारोह का हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में दिवाली की एक और कहानी ये है कि दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया और अपने राज्य के लोगों को मुक्त किया। राक्षस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने इसे उत्सव को दिन घोषित किया। भारत के कुछ हिस्सों में लोग उत्सव के हिस्से के रूप में दोनों कहानियों में राक्षस राजाओं के पुतले जलाते हैं। लोग दीपावली के दौरान हिंदू देवी लक्ष्मी को भी मनाते हैं। समृद्धि, धन और वृत्ति की देवी के रूप में रोमांचक दिवाली कहानी कहती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक भगवान विष्णु को दिवाली की रात को अपना पति चुना। अन्य संस्कृतियों में दीपावली फसल और नए साल के जश्न के साथ मेल खाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी दिवाली की कहानी मानते हैं, ये हमेशा नई शुरुआत और अंधेरे पर प्रकाश का दिन होता है। तो आप सभी को मेरी और पुकार टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा रहें, हमारा भाईचारा बना रहे तथा ये दीपावली सबको खुशियाँ दिलाए। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपका, जितने भी चैनल यहाँ हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का त्यौहार जो है ये आज बहुत मतलब एक रोशनी का त्यौहार है। दीपावली जो है ये रोशनी का त्यौहार है और मेरी तरफ से तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मेरी तरफ से सबको दीपावली की जो है मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और आज के त्यौहार में मैं अपनी एक यूथ, जो नई जनरेशन है, इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम यंग यूथ जवान, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, हमें आपस में, जैसे खास करके हमारी चनाब वैली के अंदर काफ़ी अच्छा, जम्मू कश्मीर स्टेट में काफ़ी अच्छा भाईचारा देखने को मिलता है। और मैं पूरे हिंदुस्तान को संदेश देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जवानों, हर कौम के जवान को संदेश देता हूँ इस दीपावली के दिन पे कि हमारे देश के अंदर जो भी जिस भी कौम के जवान हैं, हमें जुड़ के, हमें एक बन के रहना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और मैं दीपावली का जो है मुबारकबाद सबको पेश करता हूँ।